Hi, good morning everyone. Today we are discuss about congenital aganglionic megacolon or spunk disease. अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं. Congenitally absence of autonomic parasympathetic ganglionic nerve cell in the submucosal and mesenteric plexus of distal part of intestine rectosigmoid area. मतलब कि congenitally absence होता है autonomic parasympathetic aganglionic nerve cells. किस में एब्सेंट होती है? सब म्यूकोसल और मेसेंट्रिक प्लेक्सस डिस्टल पार्ट होता है जो इंटेस्टाइन का, वहाँ पे जो गैंग्लियोनिक नर्व सेल है वो क्या होती है? एब्सेंस होती है. मेनली रेक्टोसिग्मॉइड एरिया होता है वहाँ पे एब्सेंट होती है. मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल. ये ज़्यादा किस में होता है? मेल के अंदर मोर कॉमन होता है फौरन बाद वो. और दिस डिसऑर्डर मेनली फाउंड विथ डाउन सिंड्रोम. यह डिसऑर्डर मेनली किस में पाया जाता है? तो डाउन सिंड्रोम से बच्चे ग्रसित होते हैं उनमें पाया जाता है. 64 केसेस डायग्नोस्टिक टिल थर्ड मंथ ऑफ लाइफ. 64% है जो केसेस है वो पता लग जाता है कहाँ पे, तो थर्ड मंथ ऑफ लाइफ होती है बच्चा. तीसरे मंथ के अंदर इस डिजीज का पता लगा सकते हैं अपन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है? इन्फेंट. अब क्लिनिकल फाइंडिंग साइंस सिंड्रोम क्या होते हैं? इन्फेंट के अंदर कार्डिनल साइन इज अनेबल टू पास मिकोनियम विद इन 36 to 48 आवर ऑफ बर्थ. मतलब इसका तो मेन साइन क्या है कि जो बच्चा मिकोनियम किसको बोलते हैं? तो फर्स्ट स्टूल पास आउट करता है बच्चा जन्म के बाद, उसको अपन बोलते हैं मिकोनियम. ठीक है, वो पास आउट नहीं कर पाता 36 to 48 आवर. अगर बच्चा 36 घंटे से 48 घंटे तक अगर स्टूल पास आउट नहीं करता, ठीक है, तो अपन क्या मानते हैं इसको? एक गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन स्पंक डिजीज है पेशेंट बच्चे को. फिर है अब्डोमिनल डिस्टेंस विद इन 1 to 2 days आफ्टर बर्थ. मतलब बच्चे का अब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, साइज बढ़ जाती है और नीचे की तरफ डिसेंड हो जाता है. इसको अपन कब देख सकते हैं? 1 से 2 दिन के बाद बच्चे के जन्म के बाद. रिफ्यूज टू, बच्चा शक करने से रिफ्यूज कर देता, शक नहीं करता. ठीक है, बाइल स्टेंड, बच्चे से बाइल वोमिटिंग के साथ क्या बाइल आता है स्टैंडिंग. मतलब जो बच्चे के अंदर स्पॉट है वोमिटिंग में क्या है? बाइल की स्पॉट मिलती है, उसको बोलते हैं बाइल स्टैंड वोमिटिंग. ठीक है, नेक्स्ट है चिल्ड्रेन. अब बच्चे, ये तो था इन्फेंट के अंदर. अब बच्चे के अंदर क्या होता है? वोमिटिंग चिल्ड्रेन में देखते हैं. वोमिटिंग एंड अब्डोमिनल डिस्टेंशन. वोमिटिंग होगी, अब्डोमिनल डिस्टेंस मिलेगा. ठीक है, फाउल स्मेलिंग स्टोन में भी इन पैलेट और रिबन लाइक. मतलब फाउल स्मेलिंग आएगी और क्या होगा? स्टूल कैसा होगा? पैलेट और रिबन लाइक स्टूल होगा. रिबन जैसे रिबन होता है ना घुमावदार, वैसे लाइक स्टूल अपन को देखने को मिलेगा. फेलियर टू गेन वेट, डिले ग्रोथ. बच्चे के अंदर क्या होगा? वेट को गेन नहीं कर पाएगा और डिले ग्रोथ है, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या होगा? डिले होगा. नेक्स्ट है माल नरिश एंड इम्पेशेंट में क्या होगा? माल नरिश होगा, माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और एनीमिया. मतलब जो ऑटो कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो डाउन हो, जिसकी वजह से पेशेंट क्या कॉज करेगा? एनीमिया कॉज करेगा बच्चा. फिर आता है कॉम्प्लिकेशन. अब स्पंक डिजीज के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, जो कॉलोन पार्ट है, ठीक है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, रुकावट आएगी. हाइपोवोल्यूमिक शॉक होगा, फ्लूड हाइपोवोल्यूमिक, तो बॉडी का फ्लूड वॉल्यूम वो क्या होगा? डाउन होगा. और इंटरकोलाइटिस, जो कोलन का पार्ट है उसमें उनके अंदर क्या होगा? इन्फेक्शन होगा. ठीक है, ये थे तीनों कॉम्प्लिकेशन. कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा, हाइपोवोल्यूमिक शॉक होगा, एंट्रोकोलाइटिस होगा. फिर आता है डायग्नोसिस. मतलब कैसे पता लगाते हैं? बेरियम कॉन्ट्रास्ट एनिमा. आप क्या देते हो? एनिमा देते हो बेरियम. वो बेरियम एनिमा आप जब इंट्रोड्यूस करते हो तो जहाँ पे अगर पेशेंट का ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा वहाँ पे वो साइनिंग करेगा बेरियम है जो, ठीक है, तो वहाँ पे पता लगा सकते हैं पेशेंट को क्या डिजीज है. ठीक है, नेक्स्ट है रेक्टल बायोप्सी. अपन रेक्टल बायोप्सी शो करती है अब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक नर्व सेल. जब अपन रेक्टल बायोप्सी लेते हैं, कोई सेल्स लगा के इसकी स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या होता है? गैंग्लियोनिक नर्व सेल वो अब्सेंस मिलती है. इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डेफिनेटिव टेस्ट ऑफ मेगाकोलन. आप मेगाकोलन का अगर टेस्ट कर रहे हैं तो ये क्या है? रेक्टल बायोप्सी इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है. मतलब मोस्ट ऑफ चॉइस टेस्ट है. ठीक है, नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट. अब सर्जिकल मैनेजमेंट आप कर रहे हो मान लो, तो प्री ऑपरेटिव मतलब मैनेज सर्जरी करने से पहले क्या मैनेजमेंट करोगे? मेंटेन एनपीओ. पेशेंट को नील पर ओरल करोगे, एनपीओ करोगे, माउस से कुछ नहीं दोगे, मेजर करोगे जो अब्डोमिनल गर्थ है उसका, जो साइज है अब्डोमिनल गर्थ, ठीक है, आप उसको क्या करोगे? मेजर करोगे, पता लगाओ कितनी है. नेवर टेक रेक्टल, आपको कभी रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना है पेशेंट का, ठीक है, अगर इस डिजीज वाले पेशेंट के अंदर. ठीक है, ऑब्जर्व करोगे रेस्पिरेटरी डिस्टेंस तो नहीं है पेशेंट को,
फिर एम ऑफ सर्जरी टू रिमूव ए गैंग्लोनिक पार्ट ऑफ बॉल फॉलोड बाय एनास्टोमिस और रिमेनिंग पोर्शन। मतलब इस सर्जरी का एम क्या होता है कि आपको जो ए गैंग्लोनिक पार्ट है जिसमें जो गैंग्लोनिक नर्व सेल एब्सेंट उस पार्ट को क्या करना है, आपको रिमूव करना है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट उसको आपस में वापस जोड़ देना है। तो इसके क्या होते हैं, इट परफॉर्म इन टू स्टेज। इसको सर्जरी को दो स्टेज में अपन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट आता है इनिशियल सर्जरी, टेम्पररी कोलोस्टोमी इन गैंग्लोनिक बाउल टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब आपको क्या करना है, फर्स्ट क्या करोगे आप, इनिशियल सर्जरी करोगे जिसमें क्या होगा, टेम्पररी मतलब परमानेंट नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए कोलोस्टोमी करते हैं अपन, ठीक है, ओपनिंग करते हैं कोलोन के अंदर इन गैंग्लोनिक बाउल जिसमें गैंग्लियन नर्व सेल प्रेजेंट है टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन। गैंग्लियन बाउल के अंदर ऑस्टोमा बनाएंगे, कोलोस्टोमी करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए। फिर आता है डेफिनेटिव सर्जरी, दो परमानेंट होती है। इट इन्वॉल्व कंप्लीट सर्जिकल करेक्शन इन विच नॉर्मल बाउल अटैच टू एनाल ओपनिंग बाय पुल थ्रो प्रोसीजर। मतलब इसमें क्या होता है, डेफिनेटिव सर्जरी में इट इन्वॉल्व होता है कंप्लीट सर्जिकल करेक्शन, मतलब पूरी तरह से सर्जिकल करेक्शन किया जाता है जिसमें क्या होता है, नॉर्मल बाउल होता है जो, ठीक है, जो इंटेस्टाइन है वो अटैच की जाती है टू एनाल ओपनिंग, एनाल ओपनिंग उससे अटैच की जाती है बाय पुल थ्रो मेथड प्रोसीजर एट द एज ऑफ 1 ईयर एंड एट द वेट ऑफ 9 kg। मतलब कि कंप्लीट सर्जिकल प्रोसेस की जिसमें बाउल को क्या एनाल एरिया के साथ अटैच किया जाता, जोड़ा जाता है पुल थ्रो मेथड के द्वारा, ठीक है, प्रोसीजर के द्वारा, जब 1 साल की उम्र में या 9 kg बच्चे का वेट है तब, ठीक है। फिर देर आर 3 टाइप ऑफ सर्जरी यूज, मतलब इसमें क्या 3 टाइप की सर्जरी यूज की जाती है। फर्स्ट है डुहामेल प्रोसीजर जिसमें क्या होता है, एक एंग्लियन कोनिक कोलोन प्रोक्सिमल टू रेक्टम इज रिजेक्टेड एंड साइड बाय साइड अटैचमेंट ऑफ नॉर्मल गैंग्लोनिक कोलोन टू पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टम परफॉर्म। मतलब इसमें क्या होता है कि जो एक गैंग्लियन जिसमें नर्व सेल एब्सेंट है प्रोक्सिमल टू रेक्टम, जो प्रोक्सिमल रेक्टम के पास होता है उसको क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है या रिमूव कर देना है, ठीक है। और साइड टू साइड आपको क्या करना है, साइड टू साइड अटैचमेंट करते जाना है नॉर्मल गैंग्लियनिक कोलोन को, जो पोस्टीरियर वॉल है रेक्टम की उससे आपको क्या करना है, अटैच करते जाना है इससे, इसको परिस्थिति बोलते हैं डुहानल मुहामल प्रोसीजर, ठीक है। कंप्यूटर एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं डुहामल प्रोसीजर क्या है, स्वानसन प्रोसीजर क्या है, सो प्रोसीजर ऑपरेशन क्या है। अब देखो डुहामल में क्या हो गया, आपको क्या करना है, जो कोलोन का प्रोक्सिमल टू रेक्टम है, एक ओंगलियन कोलोन तो प्रोक्सिमल टू रेक्टम उसको रिजेक्ट करना है, बाकी को साइड टू साइड अटैचमेंट करना है। फिर आता है स्वानसन प्रोसीजर, इसमें क्या होता है रेक्टोसिग्मोइडोक्टोमी होती है जिसमें क्या होता है, एक गैंग्लियोनिक सेगमेंट ऑफ बाउल, जो एक गैंग्लियोनिक सेगमेंट जो पार्ट होता है बाउल का उसको क्या करना है, कट करना है और रिमूव कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट रिमेनिंग बाउल अटैच टू एनाल, बाकी को क्या करना है, एनाल स्पिंटर होता है उससे क्या करना है, अटैच कर देना है जो गैंग्लियोनिक नॉर्मल बाउल है, ठीक है। फिर आता है स्वैन ऑपरेशन, इसमें क्या होता है, एंडोरेक्टल पुल थ्रो मेथड यूज किया जाता है जिसमें क्या होता है, म्यूकोसा ऑफ रेक्टम इज रिकॉम, जो म्यूकोसल लेयर होती है मेम्ब्रेन होती है उसको रिमूव कर दो रेक्टम की, एंड गैंग्लियनिक कोलोन पुल्ड थ्रो, जो गैंग्लियनिक कोलोन जिसमें गैंग्लियनिक नर्व सेल प्रेजेंट है उसको पुल्ड मतलब खींचना थ्रो द मसल स्लीव ऑफ रेक्टम, मतलब थ्रो द मसल स्लीव ऑफ रेक्टम एंड एनास्टोमा, और आपको रेक्टम के पास ले जाना है खींच के और एनास्टोमा एनएस के साथ जोड़ देना है, ठीक है। जो मसल होती है रेक्टम की उसको एनास्टोमस करते हैं एनएस के साथ, ठीक है। ये होता है स्वाम, मतलब ये तीन है जो प्रोसीजर होते हैं, धुआमल है, स्वान से प्रोसीजर, स्वाब ऑपरेशन है। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या होता है, अवॉइड टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर। पहले क्या था, प्री ऑपरेटिव में भी आपको रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना और इसमें भी रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना। ऑब्जर्व रेडनेस स्वेलिंग ड्रेनेज, आपको क्या करना है सर्जिकल साइड के ऊपर ऑब्जर्व करना रेडनेस स्वेलिंग, कोई फर्स्ट कलेक्शन तो नहीं है ड्रेनेज, कोई फ्लूड तो ड्रेनेज नहीं हो रहा है, आपको असेस करना है। ऑब्जर्व स्टोमा, स्टोमा शुड बी पिंक और मॉइस्ट, आपको ध्यान करना जो कोलोस्टोमी की स्टोमा बनाए हैं ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए, तो आप लोग को उसमें क्या करना है कि है ना, आपको जो पिंक मॉइस्ट है स्टोमा कैसा होना चाहिए, पिंक और मॉइस्ट होना चाहिए, एंड अप्लाई जिंक ऑक्साइड ऑन द स्किन अराउंड स्टोमा, मतलब आपको स्टोमा कलर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जिसमें क्या करना है, आपको अप्लाई जिंक स्किन अराउंड, जो स्किन है स्टोमा उसके अराउंड जिंक ऑक्साइड की ऑइंटमेंट आपको लगानी है। फिर क्या करना है, कीप द पेशेंट एंड व्यू टिल द नॉर्मल रिटर्न ऑफ बावल साउंड। पेशेंट को कब तक एनपीयू रखना है, जब तक नॉर्मल बाउंस आउट है वो वापस रिटर्न ना दे तब तक एनपीयू रखना है।
नॉर्मली 88 से 47 आप ऑफ सर्जरी, मतलब नॉर्मली अपन बाल साउंड कब सुन सकते हैं, 48 72 आवर ऑफ, जब 48 से 72 आवर्स हो जाए सर्जरी की तब अपन सुनते हैं, और फ्लैटेस्ट पास जब गैसेज है वो पास होने लग जाती है तब अपन बाउल साउंड को अपन असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर रिटर्निंग नॉर्मल बाउल साउंड प्रोवाइड नॉन इरिटेटिंग ब्लेंड एंड, अगर वापस साउंड आपको सुनाई देने चाहिए, बाउल साउंड आपको सुनने लग जाए, ठीक है रिटर्न आ जाए वापस, तो आपको क्या करना है, प्रोवाइड नॉन इरिटेटिंग ब्लेंड डाइट देने पेशेंट को, तो पेशेंट के स्टोमक को इरिटेट ना करें, ठीक है ऐसी डाइट आपको प्रोवाइड करनी है। ये तो आपका एक गैंग्लियोनिक स्पंज डिजीज। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं सेलियाक डिजीज और सेलियाक स्प्रो, ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी और ट्रॉपिकल स्प्रो, ठीक है ये एक ग्लूटेन डाइट रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। इट इज़ ए कंडीशन इन विच अफेक्टेड चाइल्ड हैज़ द इम्यूनोलॉजिक इंटॉलरेंस इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट ग्लूटेन प्रोटीन, मतलब ये एक कंडीशन है जिसमें क्या अफेक्ट होता है पेशेंट का इम्यूनोलॉजी, अपना इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है वो इंटॉलरेंस करता है इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट, मतलब ग्लूटेन प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इनएबिलिटी डाइजेस्ट की, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं सीलिया डिजीज है सीलिया स्प्रे, ठीक है। ग्लूटेन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन वीट बार्ले ओट एंड ओट्स एंड राइट, मतलब जो ग्लूटेन प्रोटीन है वो किस में पाया जाता है, अपने जो गेहूं है बार्ले है ओट्स है राई के अंदर पाया जाता है। ग्लूटेन ग्लूटामिन क्या होता है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, स्टार्ट टू एक्यूमुलेट, ये किस में स्टार्ट हो, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने स्टार्ट होता है, कलेक्ट होने जो क्या करता है आपकी जो इंटेस्टाइनल विलाई है उसको डिस्ट्रॉय करता है, जिससे क्या होगी आपकी जो अब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होगी या डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रे मीन्स ए डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय माल अब्जॉर्प्शन वेट लॉस एब्डोमिनल डिस्टेंशन ब्लोटिंग डायरिया एंड स्टेटोरिया। अब देखो स्प्रे मीन्स क्या होता है, एक डिजीज कंडीशन होती है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जिसको अपन कैरेक्टराइज करते हैं कर सकते हैं किसके द्वारा, माल अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन नहीं होता माल अब्जॉर्प्शन होता है, प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं होता, ठीक है वेट लॉस होगा क्योंकि प्रॉपर फ्लूड इंटेक नहीं कर पाएगा, अब्डोमिनल डिस्टेंस होगा, ब्लोटिंग होगा और डायरिया होगा, स्टेटोरिया मतलब स्टूल के साथ म्यूकस आएगा, ठीक है उसको बोलते हैं स्टेटोरिया। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं इस डिजीज के, अपीयर बिटवीन 5 ईयर मतलब 5 साल तक अपीयर हो जाते हैं, स्टॉप टू इंक्रीज वेट एंड हाइट प्रोमिनेंट साइन, अगर बच्चे का वेट और साइज बढ़ना बंद हो जाए तो अपन इसको क्या मानते हैं प्रोमिनेंट साइन मानते हैं सेलियाक डिजीज का, अगर बच्चे का वेट और हाइट नहीं बढ़ रही है तो। फिर आता है क्रोनिक डायरिया, पेशेंट को क्रोनिक डायरिया होता है। नेक्स्ट है मसल वास्टिंग मेनली इनटू बटक्स और एक्सट्रीमिटीज, अब आपको क्या होगा मसल वास्टिंग होगी मेनली जो आपकी बटक्स एरिया है हिप एरिया इनके अंदर और जो एक्सट्रीमिटीज है आपके हाथ और पैर इनके अंदर जो मसल्स है जो मसल है वो वास्टिंग होगी मसल्स वो नहीं रह पाएगी। नेक्स्ट है फाउल ग्रासी बल्कि स्टूल जिसको बोलते हैं स्टेटोरिया जिसमें स्मेल आएगी, ग्रेसी स्टूल होगा बल्कि होगा ज़्यादा मात्रा में आएगा स्टूल जिसको अपन बोलेंगे स्टेटोरिया गाढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, अब डायग्नोसिस क्या लगाते हैं अपन इसका, इंक्रीज लेवल ऑफ आईटीजी आईजीए जो इम्यूनोग्लोबिन ए होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेजेस आईजीए और आईजीजी, जो टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेजेस है आईजीए इसका अपन लेवल देखते हैं लेवल क्या होता है सीलिया डिजीज में बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ए टिश्यू ट्रांसग्लूटामिन आईजीजी और आईजीजी इज टेस्ट यूज फॉर एन एलिवेशन फॉर सर्टेन ऑटोइम्यून कंडीशन लाइक सीलिया डिजीज, मतलब ए टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज आईजीए और आईजीजी टेस्ट है वो किसका इवैल्यूएशन करता है कि ऑटोइम्यून कंडीशन है इसलिए बढ़ता है, अगर टिश्यू टीजीए और आईजीए बढ़ता है इसका मतलब कोई इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर अक्कर है जिसकी वजह से बढ़ रहा है, जैसे एग्जांपल सीलिया डिजीज तब ये बढ़ता है वरना नॉर्मल कंडीशन में रहता है। नेक्स्ट है एन ऑटोइम्यून डिजीज कैन अक्कर व्हेन द बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली परसीव एज नॉन थ्रेटनिंग सबस्टांस एज फॉरेन, मतलब एन ऑटोइम्यून डिजीज कब अक्कर होती है जब बॉडी का इम्यून सिस्टम है तो मिस्टेकली बाई मिस्टेक परसीव करता है नॉन थ्रेटनिंग सबस्टांस को एज ए फॉरिजिनल पार्टिकल, मतलब फॉरेन बॉडी मानता है, मतलब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है वो मिस्टेकली क्या करती है जो नॉन थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट है उसको भी आप फॉरेन बॉडी मानती है आपकी बॉडी, मतलब कोई बाहरी
तत्व है वगैरह, जिससे क्या होता है इन केस ऑफ पीपल विद सेलिएक ग्लूटेन फॉरेन इनिटर और अटैकिन, मतलब ग्लूटेन है उसको आपकी बॉडी क्या मानती है, फॉरेन पार्टी मानती है और इसके ऊपर अटैक करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं दिस इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स इन सीलिएक, मतलब तो आपका इम्यून सिस्टम ऑफ सीलिएक डिजीज में क्या रिस्पॉन्स करता है। आल्सो इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी डायरेक्ट अगेंस्ट एन एंजाइम नॉर्मली प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन कॉल्ड टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज ITTG, मतलब कि जो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है सीलिएक डिजीज अगेंस्ट के अंदर, वो क्या करती है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है एंजाइम के जो नॉर्मली परजेंट किसमें होता है इंटेस्टाइन, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसग्लूटामिनेज, क्या होता है इसका लेवल है वो बढ़ जाता है एंटीबॉडी की वजह से, जो क्या करता है जो ग्लूटामेट है उसको डिस्ट्रॉय करता है ग्लूटेन को। फिर है मैनेजमेंट, अब इसका मैनेजमेंट क्या है, अपन इसका मैनेजमेंट देखते हैं। अवॉइड टू ईट ग्लूटेन फ्री डाइट लाइक कॉर्न राइस एंड मिलेट, मतलब आपको क्या करना है अवॉइड करना है ग्लूटेन, अगर ग्लूटेन सीलिएक डिजीज है तो बच्चे को लाइफ लॉन्ग क्या ग्लूटेन डाइट है फ्री डाइट लेनी है आपको, कॉर्न है तो फसल है, कॉर्न है राइस है मिलेट, आपको क्या करना है अवॉइड करना है जब लाइफ लॉन्ग तक। ठीक है, एडवाइस टू अवॉइड ग्लूटेन दिस डाइट लाइक वीट बार्ले ओट्स एंड राई, आपको या तो क्या करना है देखो मैनेजमेंट में फर्स्ट ओपन क्या देखते हैं एडवाइस टू ईट, मैनेजमेंट में क्या करना है आपको एक तो एडवाइस देनी है पेशेंट को ईट ग्लूटेन फ्री डाइट ले, जिसमें क्या होता है कॉर्न खा सकते हैं राइस खा सकते हैं आप और मिलेट ले सकते हैं। नेक्स्ट है एडवाइस टू अवॉइड ग्लूटेन रिच डाइट, मतलब ग्लूटेन रिच डाइट को अवॉइड करना, जैसे वीट है बार्ले और जो राई जो अपन ने पहले डिस्कस किया था उनको क्या करना अवॉइड। फिर है गिव मिनरल्स और विटामिन सप्लीमेंट, पेशेंट को क्या मिनरल और विटामिन सप्लीमेंट प्रोवाइड करने। अब ध्यान रखना इसमें एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता था कंप्यूटर एग्जाम में, ठीक है आप एक साल बाद आप एग्जाम देने वाले हो, उसमें आता है कि एक पेशेंट है ठीक है जिसको आप अवॉइड करना है कैसे ग्लूटेन फ्री, क्या आपको क्या करना है एक क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा होता है जिसमें चार ऑप्शन होते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि एक पेशेंट को ये ग्लूटेन फ्री डाइट को अवॉइड लेनी चाहिए अवॉइड करना चाहिए ग्लूटेन डाइट को, और एक उसमें लिखा आता है कि जो आपके जो आपको प्रोडक्ट खरीदो उसके ऊपर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन लिखी है उसके अंदर जो सांडे आती है, आप मान आप कुछ चीज़ खरीदो उसके सांडे तक फैट इतना है ट्रांस फैट इतना है, उसके अंदर देख लें कि ग्लूटेन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट तो आप यूज में ना ले रहे हो, ठीक है उसमें है तो नहीं, ऐसी डाइट को आप अवॉइड करें। क्योंकि आप क्या सोचते हो कि ग्लूटेन डाइट को फ्री डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल ग्लूटेन को, ग्लूटेन जिसमें भी ग्लूटेन मिक्स है चाहे कितना भी हो जाए 1% वो आप डाइट को अवॉइड करनी है। ठीक है, ये था आपकी दो डिजीज रिलेटेड टू गैस्ट्रोएंटेराइटिस सिस्टम, क्योंकि ये क्या होता है ग्लूटेन है वो बहुत लाइफ लॉन्ग पेशेंट को लेने, अब आपको मान लो पेशेंट को हाइपरटेंशन, अगर आपने ज़रा भी उसको वीट खिला दिया गेहूं खिला दिया तो उसके अंदर इतनी तेज हाइपरटेंशन कि पेशेंट सहन नहीं कर पाएगा और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ग्लूटेन फ्री ऑलवेज पेशेंट को ग्लूटेन फ्री डाइट पे रहना पड़ेगा, इसमें क्या होता है पेशेंट चाहे अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकता क्योंकि उसको पता नहीं, ऐसे बिना प्रिस्क्रिप्शन कुछ चीज़ को ले नहीं सकता, ये होती है सीलिएक डिजीज और स्प्रे। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रेक्टल प्रोलेप्स, मतलब रेक्टल का प्रोलेप्स होना, ठीक है मतलब इसमें क्या होता है प्रोट्रूजन ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ रेक्टल वॉल थ्रू एनस, मतलब जो रेक्टल की वॉल है जो लेयर है उनका क्या होता है एनस के थ्रू रेक्टल वॉल का प्रोट्रूजन बाहर निकल जाना, प्रोट्रूजन का मतलब होता है ऑर्गन का बाहर निकलना, ठीक है बाहर की तरफ आना, मतलब वन और मोर लेयर ऑफ रेक्टल वॉल थ्रू एनस, रेक्टल की वन और रेक्टल वॉल की एक या दो लेयर वो क्या होती है एनस के थ्रू बाहर आ जाती है, उसको बोलते हैं रेक्टल प्रोलेप्स। टाइप फर्स्ट म्यूकोजल प्रोलेप्स, ओनली प्रोलेप्स म्यूकोजा, जो म्यूकोजल लेयर है वो प्रोलेप्स होती है। प्रोसीडेंटिया में क्या होता है प्रोलेप्स ऑल लेयर ऑफ रेक्टल वॉल कंप्लीट प्रोलेप्स ऑफ लोअर बाउल, प्रोसीडेंटिया में क्या होता है प्रोलेप्स ऑल लेयर ऑफ रेक्टल वॉल, जो रेक्टल वॉल की सारी लेयर है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाती है, जिसको बोलते हैं कंप्लीट प्रोलेप्स ऑफ लोअर बाउल, जो लोअर बाउल पार्ट है वो सारा बाहर आ जाना उसको बोलते हैं प्रोसीडेंटिया। फिर आता है कॉज कॉन्स्टिपेशन रहना लंबे समय तक, ठीक है एनाल सर्जरी, पेशेंट को एनाल सर्जरी हुई है, क्रोनिक डायरिया है, लंबे समय तक बैठे रहना, प्रोलॉन्ग सीटिंग है, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग स्टूल पजेज, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग होना मतलब खिंचावट होना ठीक है मसल्स के अंदर ड्यूरिंग स्टूल पजेज, ठीक है ये होता है कॉज। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है विजिबल पार्ट ऑफ रेक्टम आउटसाइड,
आप मैनिफेस्टेशन देखोगे साइंस तो विजुअल पार्ट हो, रेक्टम से आउट से विजुअल होगा पार्ट ऑफ रेक्टम, आउटसाइड से बाहर से विजुअल होता है रेक्टम का पार्ट, विच लुक रेड टू डार्क पर्पल इन, जो रेड टू डार्क पर्पल कलर का सीन होगा अपन को रेक्टल ब्लीडिंग होगा और कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को होगा। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनुअल रिप्लेसमेंट, वापस आप बाय मैनुअल हैंड के थ्रू या कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप वापस रिप्लेसमेंट करना है वाल को, करेक्ट द कॉज ऑफ प्रोलेप्स लाइक कॉन्स्टिपेशन डायरिया। आपको क्या करना है, तो प्रोलेप्स की कॉज है कॉन्स्टिपेशन है डायरिया है और मालन्यूट्रिशन है, इनको क्या करना है आपको ट्रीट करना है, प्रोवाइड फाइबर रिच डाइट। आपको क्या करना है, पेशेंट को फाइबर रिच डाइट देनी है, ठीक है दादा। प्रोवाइड हेड लो पोजिशन, पेशेंट को हेड लो पोजिशन रखना है, हेड को लोअर डाउन रखना है ताकि जो रेक्टल प्रोलेप्स से पेशेंट को प्रिवेंट किया जा सके। ये था आपके 3 डिजीज कंडीशन।